गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पता नहीं कोहरा दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा आपको, पर थोड़ा थोड़ा ना हो रखा है और बोलते बोलते ना मुंह से धुआं भी निकल रहा है भाई। हाँ जी देखो, अकड़ गया ठंड से। मेरे को इतनी अच्छी लगती थी ठंड पहले, इतनी बेकार लगने लग गई ना अब कि मैं क्या बताऊँ। पर मैं ये सोचता हूँ, ये जो सुबह सुबह गाड़ी धोने वाले बंदे हैं भाई, जो हमारी गाड़ियों को चमका देते हैं, लेकिन वो सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ मार रहे होते हैं भाई, ये लोग कैसे करते हैं भाई? हैट्स ऑफ है। कमाई करने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। हमारे गाड़ी वाले भैया 7-8 किलोमीटर से साइकिल चला के आते हैं सुबह सुबह। 5 बजे निकलते हैं अपने घर से, सोचो 5 बजे तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम उठते होंगे। हो भाई बहुत मुश्किल है यार ठंड में, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो इनको देख रहा हूँ ना, पानी में हाथ डाल रहे बार बार, मेरे कड़ाके निकल रहे हैं। और इस साइड से देखो थोड़ा सा, पता नहीं देखो वो देखो, सारे फॉग ही फॉग है। एनीवेज ठंड तो है ही, क्या कर सकते हैं, अभी तो ये रहेगी। पता है एक्चुअली दिल्ली में ऐसा ही होता है, जनवरी का एक हफ्ता दो हफ्ता क्या समझ लो, पूरा जनवरी ऐसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और रुक, मैं एक मिनट इसको वॉक करा लेता हूँ। रोज की कहानी, वहां बैठ के देखता है, मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ। और यहाँ आते देखो रोना धोना, सिर्फ रोती है ये लड़की। वो देखो सुबह सुबह दीयू। हाँ जी। अच्छा सब पता चलता है धीरे धीरे। इस तरीके से मेरी बेटी को दूध पिला रही, दूध कहीं और जा रहा है। वो देखो गिरा उसके मुंह पे बॉटल, पिलाओ उसे, फोन में लगी हुई है। देखो कहाँ लेके जा रहे हो चेरू, मुंह में डालो बेटा, कहाँ ले चेरू। सो गाइस, शिवाना को ना ड्राइनेस हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो चीक्स वगैरह पे और यहाँ पे फोरहेड पे भी हो रही है, तो विंटर से ड्राइनेस हो रही है। मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा, इसके डॉक्टर ने बताया था कि इसको क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया है लगाने को, तो मैं ये लगा रही हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताऊँगी आगे कुछ दिनों में। तो चलिए मैं अब इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। ये सीन है, सुबह की तैयारी कर रही हूँ, ये पहले से ही खोल के रख देंगे। और जो आज दिन की सब्जी थी मिक्स वेज, उसके बन रहे हैं टोस्ट, क्योंकि भाई को लग रही है भूख। और इधर रात की दाल बन रही है जो हॉस्पिटल भी जाएगी। तो ये है कुछ स्टेटस, और साथ में बनेंगे चावल जो है, हम उबाल के बनाते हैं चावल, क्योंकि यहाँ पर मम्मी वैसे ही खाती है। तो ये इतने बैंगन लगेंगे। उन पर बात कर रही है, बच्चे देखो मजे ले रहा है। देखो बाहर देखने लग गए, माऊ बिल्ला माऊ बिल्ला। यस कुछ बोलना है क्या? किया डैडी आपने? हम आग जला के लाए हैं। क्यों? लकड़ी से। तभी फिर और कपड़े गए, कपड़े पर रखे हैं। और इसमें डालेंगे आलू, आलू शकरकंदी, शकरकंदी ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे गरम, हाथों को गरम करेंगे, हाँ ऐसे लेंगे और यहाँ लगाएंगे, ऐसे लेंगे खोपड़े पे लगाएंगे, ऐसे करेंगे। ये देख ये गरम हो गया हाथ है, रोना नहीं रोना नहीं। गुदगुदी हो रही है उसे। वो पापा क्या कर रहे हैं देख ले। हाँ जी पता चल गया आपको, कैमरा आ गया। हाँ पोज लग है भाई, बड़े मजे कर रहे हो आप, तो बड़े मजे कर रहे हो, मजे कर रहे हो आप, पोज दे रही है, है? है? आजकल चेरी लेके जा रही है उसको सुसु कराने, लेके चलो, बोलो आ जा।
बेटा चेरी नो, पास में रहो, ज्यादा दूर मत भागो। लीश भी पकड़नी है चेरी आपको। क्या? आपको ये घुमाना है अपने ओस्टू को। हाँ। पर मैं अगर छोड़ूंगा ना ये आपको गिरा देगा। नहीं। वो देखो अच्छा अब्दू पसंद है आपको, पहले बताओ। अब्दू पसंद है? मजा आ रहा है दियू, मजा आ रहा है मामू के पास। यही देख रही है? हाँ टीवी देख रही है। और वानु की मालिश हो रही है, चेरी मालिश करेगी? आती है आपको मालिश करनी? हाँ मिलको तो नहीं लगता आती है, नोजी में डलता है इसके। शिवानु ये बच्चे, ओए बच्चे, ये बच्चा ना खाना खाना बचा था और मुझे रास्ते में ये दिखा है तो ये खा लेगा। ऑस्टिन ने तो खाया नहीं तो ये तो एटलीस्ट खा ही लेगा बेचारा। देखो खा ही रहा है, अभी नहीं खाएगा तो बाद में खा लेगा। खा ले खा ले चल। ये तो नवाब है देखो, ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया। देखो देख रहे हो कैसे दिख रहा है, पर इसने खाया नहीं ना तो वो तो खा ही लेगा बेचारा। ये तो नवाब है, इसको तो घर में मिलता है, वेस्ट करता रहता है, उनको बेचारों को मिलता नहीं है। अकल करो ऑस्टू अकल। बेटा आपको हम खाना डाल के देते हैं, आप खाते नहीं हो। वो देखो बेचारा कहाँ कहाँ से ढूंढ रहा था, एटलीस्ट खाएगा तो अब कम से कम। बट इसको क्या समझ आएगा, इसको तो सिर्फ चार वर्ड समझ आते, गुम्मी पॉटी पार्क, बस ये चार पांच चीज आती है समझ। तो 12:15 हो रहे हैं और मैं अब वापस पहुंचा था, पर अभी भी दिन खत्म कैसे हो सकता है भाई, कपड़े तो सूखे ही नहीं, मतलब कपड़े मशीन में डाल गया था मैं, बट अभी मैंने आके चेक किया तो एरर आया हुआ था मशीन में। आई डोंट नो एरर क्यों आता है, ज्यादा कपड़े डालने से आता है या कम डिटर्जेंट डालने से आता है या कम देर चलाने से आता है, पता नहीं, अभी तक समझ नहीं आया मुझे। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, कम कपड़े भी डाल के देख लिए, कम डिटर्जेंट भी डाल के देख लिया, समझ नहीं आता क्या होता है, बट अब मैं चला रहा हूँ किसी तरह से। या तो मैं सोच रहा हूँ अच्छे से YouTube पे कोई डिटेल्ड वीडियो देखूंगा, फिर देखूंगा क्या करना चाहिए। बट एनीवेज अब कपड़े डले हुए हैं तो भाई सुखाने तो है, तो अभी एक और तरीका होता है ड्रेन करने का, मैं ड्रेन कर रहा हूँ फिर उसके बाद सुखाऊंगा फिर नीचे जाऊंगा। तो अभी तक दिन खत्म हुआ ही नहीं है भाई, और मेरा क्या, विशाली का दिन तो मेरे से भी पहले हो जाता है, और आजकल तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि सुबह उठती है, सबका खाना बनाती है वहाँ पर, ऑल्दो भाभी है वहाँ पर भैया की वाइफ, लेकिन मतलब विशाली की सिस्टर इन लॉ, पर तब भी काम दोनों को करना पड़ता है, शिवाना को भी संभालना जरूरी है, उनकी बेटी चेरी को भी संभालना जरूरी होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। कहीं बाहर का कोई व्लॉग नहीं दिख रहा आपको, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि सिचुएशन आप लोगों को पता है, दादी माँ अभी तक ठीक हुई नहीं है, विशाली हम शिवाना को छोड़ नहीं सकते हैं, बाहर कहीं जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं कुछ टाइम ऐसा है, आप लोग बेयर कर लीजिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। और अभी मैं ये निपटा लेता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ अगर व्लॉगिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो व्लॉग एंड कर देंगे हम, तो काम कर लेते हैं पहले। तो बस जी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, 12:30 हो गए, ऑस्टिन सो चुका है, मैं भी सो जाऊंगा अब, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, रोज़ हमारे व्लॉग ज़रूर देखना, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।